नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूँ बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया, राजस्थान की जलवायु के बारे में जाना, राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में जाना, राजस्थान के एक वर्ष में कितनी ऋतुएँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा, और ख़ास तौर से हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की शेष ऋतुएं जिसमें वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, राजस्थान की जलवायु ये हमारा अध्याय है, इसके अंदर वर्षा ऋतु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये राजस्थान का मानचित्र है, इस राजस्थान के मानचित्र में सम वर्षा रेखाएं दिखाई गई है जिसको अभी मैं विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। मानसून हवाएं हिंद महासागर को पार करते ही दो शाखाओं में बंट जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा। पिछले वीडियो में मैंने ये आपको अच्छे से समझाया था कि सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है पूर्ण रूप से, तो खास तौर से हमारी अवस्थिति, राजस्थान की अधिकांश अवस्थिति कर्क रेखा के उत्तर में है, तो जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है, राजस्थान के अंदर तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में कमी आती है, और गिरते हुए वायुदाब के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने जो कि हिंद महासागर को पार करके भूमध्य रेखा को पार करती हैं और फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। दिशा बदलकर अब ये पवने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लग जाती हैं, और इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये पवने महासागरीय क्षेत्रों से आ रही है, अतः प्रचुर आर्द्रता वाली पवने होती है, नमी की कोई कमी नहीं होती। जब ये पवने ऊपर की ओर बढ़ती हैं, फेरल के नियम के अनुसार अपनी दिशा बदलकर उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं, तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग के कारण अवरोध उत्पन्न होता है इसमें, और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो इसकी अरब सागर की ओर चली जाती है, अरब सागर से ओर आके भारत के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में चलती है, और दूसरी शाखा भारत के दक्षिणी भाग से होते हुए भारत के पूर्वी तट के सहारे होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारतीय प्रायद्वीप से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका आप जब भी अध्ययन करेंगे आगे मानसून की प्रकृति के अंदर आप ये देखेंगे, अरब सागर के मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा, तो आप इस चीज को अच्छे से समझे। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने इससे टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की ओर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर, क्योंकि उनका लक्ष्य सिंध और राजस्थान के निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस तरफ जाती हैं पवने, पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तापमान अधिक है राजस्थान के क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में, यूं कहूं के संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, इस वजह से अधिक तापमान से निम्न तापमान की पवने ये अग्रसर होती है। और यहाँ हम राजस्थान की जलवायु की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में या विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने के बजाय हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। राजस्थान से लगता हुआ पाकिस्तान का दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत है, तो ये मानसूनी पवने सिंध प्रांत की ओर भी जाती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के वर्षा का वितरण दिखाया गया है, और ये सभी समवर्षा रेखाएं। अब आप राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से जब पूर्व की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, लगातार ये वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। ये 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, इस वर्षा रेखा के पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ये वाला जो क्षेत्र है, जब हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, एक भाग है उसका पश्चिमी और दूसरा भाग है पूर्वी। अगर मैं इसको सम वर्षा रेखा से ज्ञात करूं तो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, ये अरावली के पूर्वी ढाल वाले भाग है इस तरफ, इसके अरावली का पूर्वी ढाल इस तरफ है और ये अरावली का पश्चिमी वाला भाग है। तो ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पीछे की ओर जाने पर, अर्थात 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर लगातार वर्षा की मात्रा में कमी आती चली जाती है, जबकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व की ओर आने पर, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये मैदानी क्षेत्र है और इधर हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में आने पर लगातार
वर्षा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। अब ये वर्षा की मात्रा में वृद्धि क्यों होती है? बंगाल जो कि अरब सागर का जो मानसून आता है वो तो इस तरह से सीधा निकल जाता है। अरब सागर के मानसून की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यहाँ पर अरावली की दिशा क्या है? इस प्रकार से। तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो वो तो इसके सारे सीधा ऊपर निकल जाता है अरब सागर का मानसून। पर जब अरावली यूं है इस दिशा में फैली हुई है अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून वो इस दिशा से आता है, यहाँ पर टकराकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है और फिर वो बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ से होता हुआ घूम के जब इस तरफ आता है तो यहाँ पर ही अरावली पर्वत श्रृंखला उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, और इस अवरोध उत्पन्न करने के कारण इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है क्योंकि वो मानसूनी पवने अरावली पर्वत को पार करके पश्चिम की ओर नहीं जा पाती, इस वजह से वो अपनी सारी वर्षा यहीं कर देती है। अब बात ये आती है कि भाई जब अरावली पर्वत उन मानसूनी पवनों को रोक लेता है फिर भी ये जो वर्षा की मात्रा है 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये कम ही वर्षा है देखा जाए तो भारत के अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में। वो इसलिए कम वर्षा है क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो इतना लंबा चक्कर लगा के आ रही है कि अपनी अधिकांश वर्षा वो पहले ही कर चुकी है, काफी हद तक वो अपनी आर्द्रता खो चुकी है, तो जो शेष आर्द्रता है उसके पास ये उससे वर्षा कर रही है। इस वजह से राजस्थान में भारत के अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम वर्षा मिलती है, पर अरावली पर्वत के पश्चिम और पूर्व की तुलना करें तो पश्चिम की तुलना में पूर्वी भाग अधिक तर पाए जाते हैं। जैसा कि इन सम वर्षा रेखाओं से आप देख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला भाग जैसलमेर का पश्चिमी भाग है, 20 सेंटीमीटर के अंदर जैसलमेर का अधिकांश क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र, जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर का अधिकांश क्षेत्र, गंगानगर का क्षेत्र सम्मिलित है, 20 से 30 सेंटीमीटर के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश जोधपुर और बाड़मेर का दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार से ये अलग अलग वर्षा रेखाओं द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा के वितरण को दर्शाया गया है। इसलिए राजस्थान अपनी स्थिति के कारण दोनों मानसून शाखाओं के रास्ते में आता है, न केवल राजस्थान में बल्कि पश्चिमी क्षेत्र में भी मानसून के पहुंचने के बाद भी वर्षा काफी कम होती है, जिसका कारण मैं आपको समझाई चुका हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला मानसून की दिशा के समानांतर है और वो मानसून को गुजरने देती है। राजस्थान में कम वर्षा होने के निम्न प्रमुख कारण है। दक्षिणी पूर्वी वायुधाराएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी होती हैं, खासतौर से ये कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की बात है। दक्षिणी पूर्व से आने वाली हवाएं उष्ण सागर को पार करने के पश्चात अत्यधिक गर्म भूमि पर आती हैं, इसलिए उनकी सापेक्ष आर्द्रता 90% से घटकर 50% रह जाती है। लेकिन पश्चिम से गर्म शुष्क वायु की ऊपरी धारा की उपस्थिति के कारण आर्द्रता का अधिकांश भाग सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना पर्याय कम हो जाती है या लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि वायु का संघनन होने से पहले ही उसकी आर्द्रता शुष्क वायु द्वारा सोख ली जाती है या खत्म कर ली जाती है। राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध का भी अभाव एक कारण है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार हवाओं के समानांतर है तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियां जल से भरी हुई हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायक नहीं होती, खास तौर से अरब सागर की मानसून वाली शाखा के लिए ये बात पूर्णतः प्रमाणित होती है। राजस्थान में वर्षा विशेषकर मरुस्थल में बहुत विरल, अत्यधिक अनियमित और मौसमीय तथा वार्षिक दृष्टि से भी परिवर्तनशील होती है। राजस्थान के वर्षा वितरण में भी क्षेत्रीय भिन्नता स्पष्ट है। वर्षा का वितरण अरावली श्रृंखला का प्रबल स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी मानचित्र में समझाया था आपको, अरावली के पश्चिम में वर्षा बहुत ही कम और विरल पाई जाती है जबकि पूर्वी भागों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। राज्य में वर्षा जून से सितंबर की अवधि में होती है। 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राज्य को दो बराबर भागों में बांटती है। आप ध्यान रखें, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा। इस रेखा के दक्षिण
पूर्व में वर्षा अधिक होती है। दक्षिण में स्थित आबू पर्वत राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ वर्ष में औसतन 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अरावली के पूर्व में 90 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहीं नहीं होती, जबकि शुष्क पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। ये अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनके आसपास का वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष के अधिकांश समय जहां भी अधिकतम वर्षा प्राप्त की जाती है औसतन वो 90 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है जब कभी अतिवृष्टि होती है तो ये 100 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है, पर राजस्थान के बहुत कम ही ऐसा क्षेत्र है जहां पे कभी कभी 100 सेंटीमीटर, एक आबू खंड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा झालावाड़ का एक छोटा सा क्षेत्र है वहां पे कभी कभार, हमेशा नहीं कभी कभार, अतिवृष्टि के समय 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है औसतन एक वर्ष में। उत्तर में वर्षा निम्न वायु गर्तों तथा पूर्वी हवाओं से प्रभावित होती है। कुछ कुछ वर्षा स्थानीय वज्र तूफानों से भी प्रभावित होती है। वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है, जैसे जोधपुर में 35 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे बाड़मेर में 31 सेंटीमीटर, बीकानेर में 30 सेंटीमीटर और गंगानगर में 22 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसके साथ ही वर्षा की परिवर्तनशीलता भी इसी दिशा में बढ़ती चली जाती है, अर्थात किस तरफ, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। राजस्थान में अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है। आप इसे अच्छे से नोट करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन माह में देखी जाती है, जुलाई व अगस्त माह में। जैसे बीकानेर जुलाई और अगस्त में कुल वर्षा का 60% हिस्सा प्राप्त करता है, गंगानगर लगभग 50% हिस्सा प्राप्त करता है, जैसलमेर 80% से अधिक वर्षा केवल इन दो महीनों में जुलाई और अगस्त में प्राप्त करता है, जोधपुर 63% से अधिक हिस्सा वर्षा का प्राप्त करता है, बाड़मेर 70% से अधिक अपनी औसत वार्षिक वर्षा केवल इन दो महीनों में ही प्राप्त करता है। सितंबर महीने में जुलाई और अगस्त की तुलना में अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है। वर्षा काल के तीन महीने में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% से 90% तक मानसून द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए राजस्थान की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। पश्चिमी भाग में शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है पर वो मानसून से प्रभावित होती है राजस्थान की संपूर्ण जलवायु। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत 57.51 सेंटीमीटर है। कई पुस्तकों में इसे 58 पॉइंट समथिंग दे रखा है, कई पुस्तकों में इसे 60 सेंटीमीटर भी दे रखा है, पर अधिकांश प्रमाणिक पुस्तकों में 57.51% दे रखा है। एलआर भल्ला की पुस्तक में इसे 57.51% ही दिया है। राजस्थान की अगली ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मानसून प्रत्यावर्तन काल, ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक चलता है, जब मानसून पीछे की ओर लौटता है, क्योंकि अब सूर्य का उत्तरायण खत्म हो चुका है, सूर्य का दक्षिणायन शुरू हो जाता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उसके पश्चात वापस वो दक्षिण की ओर जाने लगता है। इन क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है, तो मानसूनी हवाएं धीरे धीरे पीछे की ओर वापस लौटने लगती है और इस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक चलती है। दूसरी है शीत ऋतु, ये मध्य दिसंबर से लेके फरवरी माह तक चलती है। अब हम लेंगे मानसून प्रत्यावर्तन काल जो कि अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक है। भारतीय जलवायु दृश्य से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के पश्चात कुछ समय के लिए तापक्रम में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है और उसके पश्चात शीत ऋतु तक धीरे धीरे तापक्रम निम्न बिंदु तक गिरने लगते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर उच्च तापक्रम तथा सतत आर्द्रता के कारण मौसम उमस भरा हो जाता है। ये आप जो मानचित्र देख रहे हैं ये राजस्थान का जनवरी माह की समताप रेखाएं और इसमें तापमान
दिखाया गया है कि राजस्थान में किस प्रकार से तापमान की ताप रेखाएं हैं और किस क्षेत्र में कितना तापमान पाया जाता है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इस मानचित्र को फिर से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जहां राज्य का आधा भाग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, अधिक वाष्पीकरण और जलाक्रांति की अनुपस्थिति में उत्तम मौसम की दशाओं को दर्शाता है। समग्र राजस्थान में अक्टूबर माह में तापक्रम साधारणतः सम होते हैं, ना ज्यादा होते हैं न कम होते हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है संपूर्ण अक्टूबर माह में। यह अधिकतम तापमान बता रहा हूं मैं संपूर्ण राजस्थान का। और निम्नतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से पाया जाता है। नवंबर का महीना कुछ ठंडा होता है अपेक्षाकृत अक्टूबर के महीने से। आबू पर्वत का तापक्रम आसपास के क्षेत्रों से काफी कम होता है क्योंकि यह बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। आबू पर्वत राजस्थान में अपेक्षाकृत सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। इन महीनों के दौरान मानसून के प्रत्यावर्तन के कारण हवाएं काफी शांत होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, अत्यधिक परिवर्तनशील होती हैं। शीत ऋतु का दूसरा भाग मध्य दिसंबर से फरवरी तक। राज्य के उत्तरी भागों में उत्तरी पश्चिमी हवाओं और दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व में उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के प्रति चक्रवातीय कोष के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान लगातार कम होते जाते हैं। यहाँ पे दाब बढ़ जाता है और जब दाब बढ़ जाता है तो उन क्षेत्रों में प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। फलस्वरूप शीतकालीन चक्रवात राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होने लग जाती है। इस अवधि के दौरान पूरे प्रदेश में तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगता है और वर्षा या तो बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती। शीत वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में महावट कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों के साथ जुड़ी होती है जो कभी कभी मई तक भी चलती है। राजस्थान में जो सर्दियों में बारिश होती है उसे हम महावट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो खास तौर से अत्यधिक ठंडे प्रदेश जहाँ पे अपेक्षाकृत रूप से राजस्थान की तुलना में अधिक दाब पाया जाता है वहां से ये चक्रवात ये ठंडी हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के रूप में पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की ओर आती हैं और जब राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनके अंदर कुछ बहुत आर्द्रता होती है और अपेक्षाकृत रूप से यहाँ पर वहां की तुलना में अधिक तापमान होने के कारण संघनन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, संघनन प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पे कुछ बहुत ये वर्षा करती हैं स्थानीय पवनों के साथ मिलकर। इन्हें महावट के नाम से जाना जाता है। जनवरी और मई माह की समताप रेखाएं आपस में काफी विषमता रखती हैं। जनवरी माह का औसत तापक्रम परिसर उत्तरी भाग में 12 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग में 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस क्षेत्र में 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान पाया जाता है और इस क्षेत्र में उत्तर की ओर 12 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान पाया जाता है। उसके बाद इन दोनों क्षेत्रों के अंदर ये 12 से 14 डिग्री इसके अंदर आप गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी बीकानेर चूरू का अधिकांश क्षेत्र झुंझुनू सीकर और अलवर के क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पे जैसलमेर जोधपुर बीकानेर नागौर का अधिकांश क्षेत्र आपको 16 से 14 डिग्री सेल्सियस के तापमान में दिखता है 16 डिग्री सेल्सियस के तापमान में दिखता है और यहाँ पर ये 16 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान पाया जाता है। ये जनवरी की समताप रेखाएं जो कि इस क्षेत्र के अंदर औसत तापमान को परिलक्षित करती हैं। जनवरी माह का औसत तापक्रम विभिन्न केंद्रों पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है। आबू पर्वत का तापक्रम परिसर सबसे कम होता है, यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान पाया जाता है। कई बार आबू क्षेत्र के अंदर तापमान काफी गिर जाते हैं और माइनस में भी चले जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में तापक्रम प्रवणता अधिक होती है जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में तापक्रम प्रवणता कम होती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग विशेषकर कोटा झालावाड़ जोधपुर बाड़मेर और उदयपुर के भाग में जनवरी माह का औसत तापक्रम लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले मानचित्र में आपको समझाया था कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर शीत ऋतु के अंदर तापमान में वृद्धि होती है, खासतौर से माउंट आबू या अरावली के ऊंचे वाले क्षेत्रों को छोड़कर। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनवरी में निम्नतम औसत तापक्रम
लगभग 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। इस समय उत्तरी क्षेत्रों में शीतलहर के कारण तापक्रम कभी कभी पाला हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाते हैं। शीतलहर जो कि हम बात करते हैं यूरोपीय क्षेत्रों से या उत्तरी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को शीतलहर हमारे यहाँ पैदा करती है। ठंडी बर्फीली हवाएं होती हैं, वहाँ तापमान बहुत ज्यादा कम होते हैं, दाब अधिक होते हैं अपेक्षाकृत रूप से, वहां पर वहां की तुलना में हमारे यहाँ तापमान ज्यादा होते हैं इसलिए यहाँ दाब कम होता है। तो वहां पे तापमान कम दाब ज्यादा, उस अधिक दाब से पवने हमारे कम दाब की ओर आती हैं और ये क्यों चूंकि ये पवने काफी ठंडी होती हैं और इस वजह से इनको शीतलहर के नाम से जाना जाता है। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल महीने में तथा सबसे अधिक अगस्त महीने में होती है। वायु में नमी की मात्रा शीत ऋतु में न्यूनतम, ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता प्रातःकालीन 35% से 60% और अपराह्न 10% से 30% के बीच में पाई जाती है। शीत ऋतु में मुख्यतः दिसंबर से फरवरी महीनों में आर्द्रता सुबह के समय 50% से 60% तथा अपराह्न में 25% के बीच में रह जाती है। मानसून ऋतु में आर्द्रता में वृद्धि दिखाई देती है। जुलाई से सितंबर तक की अवधि में आर्द्रता 55% से 70% के बीच में पाई जाती है। सापेक्षित आर्द्रता और बादलों के मेघाच्छन में सीधा संबंध होता है। अधिक आर्द्रता अधिक बादलों का निर्माण करने में सहायक होती है और अधिक वर्षा प्रदान करती है। सितंबर और अक्टूबर के साथ ही तापक्रम में 25 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए मानसून प्रत्यावर्तन पर सापेक्ष आर्द्रता में बड़ी तेजी से गिरावट आने लगती है और कभी कभी ये प्रतिशत शीत ऋतु की अपेक्षा भी कम हो जाता है। ये बात रही आर्द्रता की, आर्द्रता राजस्थान में किस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं में बदलती रहती है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया। पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में जाना, राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में जाना, राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं उनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु के पार्ट थर्ड के वीडियो में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में जानेंगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।